बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होती हैं एक्चुअली वो बनती कैसे हैं, बनी हुई कैसी होती हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, जो बोन्स हैं उन बोन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम उस चीज़ को इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी। बोन्स क्या होती हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होती हैं, थोड़ी कठोर होती हैं और फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी, पूरी बॉडी में हर जगह हड्डियाँ मिलती हैं, पूरी बॉडी में। बोन्स हैव थ्री पार्ट्स, बोन्स के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट अ थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली टाइप की होती है, कॉल्ड द पेरियोस्टियम। क्या कहा जाता है इसे, पेरियोस्टियम, ठीक है, इसे कहते हैं पेरियोस्टियम, विच कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बोन, जो क्या करती है, सरफेस की आउटर सरफेस को, बोन के आउटर सरफेस को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कंटेन्स द बोन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और ये केवल अपने साथ में किसे रखती है, नर्व्स के लिए रखती है, जो हड्डियों की नर्व्स होती हैं उनके लिए रखती है, एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के लिए रखती है, बाकी और कोई भी इसके साथ में कोई ऑर्गन नहीं रहता है। नंबर टू है अंडर दिस इज अ स्मूथ एंड हार्ड कॉम्पैक्ट बोन, और इसके अंदर एक स्मूथ और हार्ड कॉम्पैक्ट बोन यानी कि जुड़ी हुई हड्डियाँ रहती हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, इसे क्या कहते हैं हम, कॉर्टिकल बोन कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, कॉर्टिकल बोन कहा जाता है। और कॉर्टिकल बोन कहाँ मिलता है, कॉर्टिकल बोन मिलता है पेरियोस्टियम बोन्स के नीचे रहता है ये कॉर्टिकल बोन्स। नंबर थर्ड है इन लेयर विद इन द कॉम्पैक्ट बोन इज कैंसिलस बोन, ये कौन सा है, इस कॉम्पैक्ट बोन को क्या है, कैंसिलस बोन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जी बोन बिकॉज इट हैज होल्स इन इट, और इसी बोन के लिए स्पॉन्जी बोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इस बोन्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो स्ट्रक्चर था। एक है बोन मैरो इज अ टिश्यू फाउंड इनसाइड बोन्स, बोन मैरो क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो बोन्स के नीचे मिलता है। इट प्रोड्यूसेस ब्लड वेसल्स विच आर वाइटल फॉर आवर इम्यून सिस्टम, इट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, विच आर वाइटल फॉर आवर इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए यानी कि बॉडी को मजबूत बनाने के लिए सिस्टम होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है। बोन्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, बोन्स हड्डियों से मिनरल से बनी हुई होती हैं, जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो दीज आर टू मेन मिनरल्स। द हेल्थ ऑफ अ बोन कैन बी मेजर्ड विद बोन डेंसिटी, और जो बोन डेंसिटी है इस बोन डेंसिटी की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इसकी हेल्थ को हम मेज़र कर सकते हैं।